लेक्चर की शुरुआत। हमने सोचा कि जो पिक्चर शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना पहले एक फोटो सेशन किया जाए, एक लुक सेट की जाए। दोनों का किरदार एकदम विपरीत है, दे आर एब्सोल्यूट ऑपोजिट्स। सो ही इज लाइक फन लविंग एंड शी इज अ लिटिल मोर स्ट्रिक्ट। सो द क्लोथ्स आल्सो हैव आर डिजाइन लाइक दैट। It's a mix between solid colors and there are moods and moments. So Jayatarani and Akriti, who've done the costumes, my costumes, who've helped me create Jayanta. It's all simple whites, reds, pastels, everything grays, you know. So she's wearing all that and keeping very simple with small earrings and, you know, nothing too loud. Bee Blunt has designed the hair, and Natasha, my hairstylist, is constantly trying to bring it back to that look. It's got that just out of bed, messy, and yet slightly boyish look, you know. Oh, it's wonderful. Everybody's been so nice. Vinil, Vivek, the photographer here, everybody's done so much work. So it's like there's so much to pick up from, and it's exciting. Action! Russian fries, मैं बहुत ही friendly हूँ। The first thing that I told him, the adjective that I gave him was like, "Vinil, you're a Hitler." हर एक picture के एक correct budget होती है। When you set out कि you have to do something particular within a particular time frame. तो आपकी प्लानिंग उतनी तेज़ होनी पड़ती है। मैंने सोचा कि पहले तीन दिन मुझे सबको दिखा देना कि इस फिल्म की शूटिंग पेस क्या होगी। तो मैं पहले तीन दिन बहुत स्ट्रिक्ट था, एंड आई स्टार्टेड विद विवेक कि विवेक यू हैव टू बी हियर, और आपको पीठ पे लेके हीरोइन को भागना है। ये पहला सीन मैंने ऐसे किया, और पहले तीन दिन मैंने ऐसा प्रेशर बनाया कि लोग मुझे हिटलर बुलाने लगे। हिटलर? अरे नहीं यार, नो नो, ही इज नॉट कॉल्ड विनिल हिटलर, यू गेट मी इन ट्रबल इफ आई से दैट। ही इज वेरी कॉम एंड supportive, encourages all the youth. काफ़ी अच्छे, इज वेरी कूल डायरेक्टर, एंड इट्स वेरी फन वर्किंग विद हिम ऑन सेट। नो लाइक वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन आस्किंग, वी आर कंफ्यूज इन एनी स्टेट। एंड ही इज लाइक सो इंटेंसली इन्वॉल्वड इन द फिल्म दैट यू नो अ लिटिल बिट ऑफ हियर एंड देयर आल्सो ही विल बी लाइक नो नेहा दिस इज नॉट राइट दैट। सो ही इज लाइक काइंड ऑफ अ आई वोंट से बुली बट या अ perfectionist who does bully you if you don't get it right. बहुत chilled out है, इतना chilled out director set पे कभी चिल्लाता नहीं है, किसी पे कभी आवाज़ नहीं उठाता है, प्यार से इतना समझाता है। मैं कल ही बोल रहा था, तारीफ कर रहा था कि उसका patience इतना है, हर department के साथ patiently काम करता है। Mumbai, बोले तो भाईगिरी का capital, और अपुन भाईगिरी का master, जयंता भाई। कैरेक्टर जयंता भाई, तो ही इज माना आपको वही दिखेंगे कि नहीं यार वे की ये रोल प्ले कर सकते हैं, इट्स मेन फॉर हिम ओनली। जैसे जैसे कहानी बताई जा रही थी, आई कुड कंप्लीटली एनविजन इट। मेरे मन में ऐसा लग रहा था यार जयंता ये है, और मैं तभी के तभी खड़ा हो गया और किरण कोटरियाल और विनिल के साथ में इम्प्रोवाइज करने लग गया, इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, इस तरह। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग द कैरेक्टर इमीडिएटली, आई सेड डन, लेट्स डू दिस फिल्म। जयंता जो है कि बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, और उसको ऐसा लगता है उसको हर चीज में महारत हासिल है। जयंता जो है वो बहुत ट्रेनिंग कर चुका है, बेसिकली वो IJ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इंडियन जेल यूनिवर्सिटी। उसमें उसने मास्टर डिग्री पे मास्टर डिग्री की है, तो अभी क्या है वो बायोलॉजी में मास्टर है।
चाहे किसी की नौकरी हो, किसी की ज़िंदगी हो, तो सिमरन को भी नसीहत देता रहता है, कुन्नू को भी नसीहत देता रहता है, अल्ताफ को भी नसीहत देता रहता है, सबको नसीहत देता है मगर अपनी नसीहत कभी नहीं लेता है। यही तो प्रॉब्लम है ना यार, मुफ्त का एडवाइस देना बहुत आसान है, फोकट में एडवाइस देते रहता है जनता, खुद की लाइफ में तो अप्लाई नहीं किया उसने। जब लड़की मिलती है, इश्क होता है, तब पहली बार अप्लाई करता है। वो जो जोक्स मारता है सिमरन को बहुत फनी लगता है, चाहे वो फनी हो या ना हो। और फिर तब होता है अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। नेहा की खासियत है कि नेहा बहुत खूबसूरत है। शी इज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ सिमरन एंड शी इज 21-22 ईयर्स ओल्ड गर्ल एंड शी हैज कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस, छोटे से शहर से आई है बॉम्बे में, एक जॉब का उसका हुआ है कुछ, एंड हाउ दे मीट एंड हाउ देयर सम केमिस्ट्री होती है इनके बीच में। इसकी माँ का आशीर्वाद। हाय, आई एम भाड़ोत्री। दोनों का एकदम, दोनों का किरदार एकदम विपरीत है, दे आर एब्सोल्यूट ऑपोजिट्स, सो ही इज लाइक फन लविंग एंड शी इज अ लिटिल मोर स्ट्रिक्ट। ए भाड़ोत्री, तू भी इधर। ए भाड़ोत्री, क्या पढ़ता है इनकी लेटी है। ए भाड़ोत्री। तो उस टाइप की एक लड़की चाहिए थी, कैरेक्टर चाहिए थी। तो जब नेहा, हमने बहुत सारी लड़कियों के फोटो देखे, पिक्चर देखे, तो मुझे नेहा सबसे ज्यादा राइट लगी इस रोल के लिए। सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं। मुंबई वालों के पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। क्या फालतू वाला मेरे को, ये ले पकड़ अपना बैग। जोकिंग रे। जाकिर एक बहुत ही उम्दा कैरेक्टर एक्टर हैं। मैंने उनको सबसे पहले सरकार में देखा जब दुनिया ने उनको नोटिस किया। जाकिर हुसैन एज़ एन एक्टर बहुत मजा आया, बहुत कमाल के एक्टर हैं। सरकार में उनका काम बहुत अच्छा लगा मुझे, उनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग था, तो तब से मुझे लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए। और अब हमारी फिल्म में अल्ताफ भाई बन गए हैं वो। वो ये कैरेक्टर किसी के लिए काम करता है, मे बी समबडी इज बिगर देन हिम इन द सिटी, तो एंड उसका जो अपना एक इलाका है, एक समझ लो कोई ऐसा होगा कि भी ये चौल या चार चौल मिला के उसका ये एरिया है, पांच छह चौल मिला के उसका ये चौल है, उस इलाके में जो भी एक्टिविटीज होती है उसका वो भाई। दत्ता, दत्ता को अपना राइट हैंड बनाना पड़ा मेरे को। तू देख अपने आप को, देख तेरे में वो बात है क्या, निपुण है क्या? अगर तेरे में वो बात होता तो मैं तेरे को जेल में सड़ने को भेजता क्या? जयंता मेरे लिए जेल चला गया है। तो अभी उसको वो खटकता है कि अरे मेरे साथ जेल क्या, मेरे लिए जेल क्या चला गया, अभी हर वक्त एहसान दिखाता रहता है। तो अब उसको छोड़ भी नहीं सकता, उसको भगा भी नहीं सकता। तो वो एक ऐसा लव एंड हेट का रिलेशनशिप है, लेकिन भाई के लिए ऐसा कैरेक्टर करना, तो भाई का जो अभी तक हमने देखा है, या तो वो, या तो क्या मतलब 100% वो ऐसे ही होते हैं, नेगेटिव होते हैं कि अच्छा ठीक है काम निकला, चलो हटाओ उसको, मार दो या कुछ कर दो, लेकिन ये उस तरह की कहानी नहीं है, बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी है। जब भी हीरो का सब कुछ सेटल हो जाता है ना, तब भी साला विलन लोग एंट्री मारता है। I wanted someone who will do justice to the role within 5 seconds. Alex Pandian. ये प्रभु देवा जी ने मुझे नाम दिया था, मैंने उनसे पूछा था प्रभु भाई मुझे एक साउथ इंडियन क्रिश्चियन नेम चाहिए। He said, Vinil, take Alex Pandian. I said, Alex Pandian, it was famous name of Rajnikant in one movie. So I wanted a face to Alex Pandian, and that was Nasir Bhai. Undoubtedly, because once you see him first frame in the first half, you can't forget him even if he comes in last frame. दिख रहे हैं
तारे जमीन पर। अबाउट ऑफ माय 400 फिल्म्स अबाउट 250 फिल्म्स वेयर ओनली कॉप्स। मैंने सिर्फ उनके साथ दो मिनट बताया, मैंने सर ऐसा 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 ये मुझे मतलब पहले फ्रेम में जब आपकी शक्ल दिखेगी तो सबको मालूम होना चाहिए कि ये विलन है। तो वो उन्होंने एक सेकंड में ग्रैप्स किया, पहला शॉट दिया, वन टेक, बूम, गॉन, एकदम यू सी इट। तो इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ। कैरेक्टर एज विनील एंड राइटर शिराज टोल्ड मी ही इज़ अ फैन ऑफ ओल्ड हिंदी फिल्म्स, सो वेन एवर ही टॉक्स ही कोट्स फ्रॉम द ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स और टाइटल्स एंड दैट्स रियली फनी एंड वेरी चिलिंग। वो एक्चुअली हमने उनको एक ऐसा उनको अंदाज दिया है कि वो बहुत बड़े फ़ैन हैं हिंदी पिक्चरों के और म्यूज़िक के, तो जो भी बात करते हैं तो वैसी बात करेंगे। मतलब हीरो के पास आएंगे तो बोल कुछ गाना गाएंगे, यू नो, या पहले सीन में जैसे इंट्रो होता है तो किसी को मारते हैं और बोलते हैं 2.5 किलो का हाथ, विच इज़ एक्चुअली सनी डियोल डायलॉग, पर दिस गाइज़ अ फिल्म बफ, कीड़े होते हैं ना जैसे। एक्शन में विवेक जी को मारना था, उनको हमें मारना था, अब वो उठा के मारना है विवेक सर को, अब मैं मार रहा हूँ, वो टूट गया। क्या था कि हमने 3-4 रॉड बनवाए थे, वो जरा पीवीसी के रॉड बनते हैं उसके ऊपर ना, जो कि डमी रॉड्स है जैसे वेट लिफ्टर के होते हैं, 3-4 थे हमारे पास, और विवेक हर शॉट में जब जाते थे उनके हाथ पे लगता और रॉड टूट जाता। अल्टीमेटली हमको एक अलग सा पाइप लेना पड़ा मोटा वाला और उसके साथ हमने सीन किया। एक बार गलती हो सकती है, 3 बार तो फिर हाथ की ही गलती है। अरे नहीं कुछ लगा होगा नहीं यार, ऐसे तो होते रहता है एक्शन। अरे मजे की बात ये थी, वो मुझे बोलता आप मेरा रिंगटोन सुनो, तो मैंने रिंगटोन सुना तो वो माया डोलस का जो डायलॉग मैंने किया था, माया भाई का डायलॉग, उस पुलिस वाले के रिंगटोन में माया डोलस का डायलॉग, मैं हंस रहा था। फिर दूसरे वाले के पास स्क्रीन सेवर में मेरे फोटो था। मुंबई वाले भाई दिल्ली में वर्ल्ड फेमस है, दिल्ली फ्लेवर, दिल्ली का दिल है लेकिन मुंबई का भाई है। एक चीज है, जयंता भाई विस्की पीता और दिल्ली वाले सारे विस्की पीते हैं। दारू पीता नहीं है जयंता, वो मस्त आदमी है, डाइट कोक पीता है। इट्स एक्चुअली क्या है कि नॉर्थ में मुंबई भाषा से काफी लगाव है। आई थिंक विनिल लास्ट 5 साल से बॉम्बे में रह रहा है। मी एंड माय बोथ आर फ्रॉम दिल्ली। But I don't think we've been ganging up on anybody. I think it's mostly Vivek and Vinil ganging up on me. Ragging करते हैं थोड़ी सी। Vinil के साथ बहुत मस्ती करते रहता हूँ मैं। It's always fun working with him. हम लोग एक दूसरे के साथ scenes करते रहते हैं। कभी वो नेहा बन जाता है बेचारा। Yeah, right. Yeah. या कभी वो नेहा के वो father जो हैं शिशिर वो बन जाता है। We are 10 साल तो please take it. कभी उसको अल्ताफ बनना पड़ता है, तो वी जस्ट कीप रीडिंग ऑफ एंड इंप्रोवाइजिंग एंड डूइंग फन स्टफ टुगेदर। लेट मी सी व्हेदर इट लुक्स नाइस फॉर माय फ्रेंड। सर मैंने कोई दिल्ली का जायका डाला है इसमें? मैं गार्निश हूं। Stunning, absolutely stunning. Normally वो cute, जैसे मैं picture में उसे कहता हूँ bubblegum,
बबल गम लगती है, बट आज जैसे मैं फिल्म में कहता हूँ आई लव सिमी, माल लग रही है एकदम। मेकओवर का आइडिया, आई मीन विनिल का आइडिया था कि ऐसा एक गाना होना चाहिए फिल्म में, तो पीपल वर कॉल्ड फॉर दिस, लाइक शान स्पेशली वॉज कॉल्ड टू डू दिस काइंड ऑफ स्मोकी आई एंड दिस होल ग्लैम बिग हेयर लुक, सो यस आई थिंक सबका टीम एफर्ट था। पार्टी सॉन्ग में दे रियली वॉन्ट टू किल इट, सो दे आस्क मी लाइक वुड यू लाइक टू डू इट, सो आई वाज लाइक या व्हाई नॉट, आई न्यू द स्टाइलिस्ट हु इज अ ग्रेट फ्रेंड एंड या सो जे एंड ऑल दे वर लाइक विल यू डू इट, सो ऑफ कोर्स आई हैड द होल, आई वाज अलाउड टू डू एनीथिंग आई वांटेड टू डू, सो दे वर लाइक शान वाइल्ड बिग डार्क स्मोकी, इट शुड बी लाइक अ लिटिल डार्क, इट्स ऑन द डार्कर साइड ऑफ कोर्स, इट्स अ नाइट क्लब। मैंने कभी इतना मेकअप आज तक किया नहीं है, यू नो दिस हैवी आईज एंड बिग हेयर, तो मेरे लिए इट वाज लाइक I don't know if I can pull it off ya kaisa lagega weird lagega and I was a bit nervous humne socha ki isme neha ka look ekdam film se alada ho aur to isliye humne unko ekdam fully diva type look diya hai पे, ये मेरा है, लॉन्जी ने कुछ नहीं किया, नहीं नहीं लॉन्जी जी ने सहरा किया, मैं तो बस, मैं और लॉन्जी बहुत पुराने दोस्त हैं, तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है बिकॉज आई नो वन थिंग फॉर अ फैक्ट, कंपनीज लाइक टिप्स वेन एवर दे मेक अ मूवी they are very very concerned about the way their songs sound in their movies na jaane kya ho gaya ho ek pal mein ke jaisa dil mil gaye ho ek pal mein ye gana khaas kar actually neha ke liye banaya ja raha hai jisme aatif aur vivek feature kar rahe hain we gotta get so crazy baby once we get this started आतिफ के साथ गाना करके बहुत मजा आया, आई थिंक ही इज गॉट दैट इनहेरेंट थिंग अबाउट डांसिंग, सो इट्स नॉट लाइक ही हैड टू ट्रेन और एनीथिंग, इट वाज लाइक द म्यूजिक्स ऑन एंड द डायरेक्टर गोज जस्ट गो आतिफ डू योर ओन थिंग एंड ही इज लाइक मूविंग एंड शेकिंग एंड इट्स ऑल लाइक रियली कूल, सो या इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हिम। दिल न जाने क्यों तुझ पे है आ रहा ये मेरा दिल न जाने क्यों तुझसे है आ रहा। बहुत मजा आया यार, इज अ कूल गाय एंड आई जस्ट गिव आतिफ अ बिग हग एंड आई सेड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर तेरे लिए एंड नाउ थैंक यू फॉर दिस वन। आई थिंक विवेक के साथ काफ़ी दफ़ा काम कर चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा विवेक के लिए गाने गा चुका हूँ और इट्स ऑलवेज बिन प्लेजर वर्किंग विद हिम। जब मैंने कॉम्पोजिशन सुनी थी तो पहले मुझे सही तरीके से क्लिक नहीं कर रही थी, लेकिन उनको दो तीन दफ़ा सुनने के बाद मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और हमेशा से ही मुझे सचिन जिगर की कॉम्पोजिशंस गाने में बड़ा मज़ा आता है। और पहली दफ़ा जब हाउस नंबर किया तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था, एक्सपेरिमेंट था, बिकॉज यूजुअली लोग मुझे रोमांटिक नंबर्स और उसके साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन जब हाउस नंबर गाया था आई रियली फेल्ट द यू नो द वाइब टू इट। सब कुछ है, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, कॉमेडी है, मसाला है, सब कुछ है।
लाइफ में दो ही चीज होती है, या बार में यार या बार में मार। तो हमने बार में मार किया है। ये एकदम नेचुरल टाइप ऑफ एक्शन है, मतलब कि जब लोग हाथ पांव मार मार के लड़ते ना तो क्या होता है, वैसे रखा है, कोई गाड़ियां नहीं उड़ती हैं, कुछ बम नहीं फटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्शन हार्डकोर हैंड फाइट है पूरे पिक्चर में। बार में मैंने बहुत तोड़फोड़ की है, बहुत मारामारी की है। विवेक को जाके किन लड़कों को संभालना है, क्योंकि वो कुछ एलिगेशंस करते हैं कि बार में दारू नकली है वगैरह सब, तो उसमें विवेक जी जाते हैं, जयंता भाई जाता है वहाँ पे, और वो अपने ही स्टाइल में अपने अंदाज में उनसे टकराता है। उधर हम देखते हैं कि जयंता अगर काम पे उतर आया, अपने पे उतर आया तो वो क्या कर सकता। जयंता को भेजा जाता है बार में कुछ लुखों को सीधा करने के लिए। ये फटा मंगेशकर चल, वो बार में जाता है, बार की मैनेजर है, वो बाहर के मैनेजर बोले इसको निकाल, वो उसे जाके फ्लर्ट करता है। It is a romantic film, it's not a romantic comedy, it's a light-hearted slice of life film. कई बार क्या होता है कि आप किसी के इतने करीब होते हो, आपको पता नहीं होता कि आपको एक्चुअली उनसे प्यार है। ये पूरी स्टोरी उसके बारे में कि आपको कब प्यार हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, और आपको उससे प्यार हो जाएगा जिससे आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। ये पूरी कहानी है। ये गैंगस्टर भी इंसान होता है यार। एक ऐसा सीन होता है ना, विवेक का कैरेक्टर जयंता सिमरन की बहुत मदद करता है एक जगह, क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो विवेक जाके उस आदमी को मारता है, उसके रिजल्ट में वो जेल पहुंचते हैं। अब जेल पहुंचने के बाद वो छूट भी जाते हैं वहाँ से इमीजिएटली, मतलब जेल नहीं जाते, मतलब पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए जाते हैं। तो उसके बाद बाहर निकलते बोलती है कि ना, मैं तुम्हें थैंक यू करने के लिए मैं तुम्हें पार्टी करने ले जाती हूँ, और विवेक से ही पैसे लेती है और विवेक को पार्टी कराने ले जाती है। तो उस दौरान में वो बहुत शराब पी लेते हैं, एंड वहाँ पे हमारा सबसे रोमांटिक गाना पिक्चर का होता है। I wanted her to be very comfortable. It's very important for me that my co-star is comfortable. It was very brave of Neha to be so, you know, in the moment and let go completely of all inhibitions. और मुझे लगा कि normally मतलब कोई बड़ा issue नहीं किया उसने create. She left it to us, to me, to Vinil, everybody to take care of her. तो हमने उस तरह उसे बहुत protected feel करवाया, हमने लोगों को बाहर निकाला, minimum crew था set पे. We asked Neha what she was comfortable with. We were protecting her and taking care of her. थोड़ा मुश्किल है बिकॉज सब लोग सेट पे देख रहे हैं, यू जस्ट बी कॉन्शियस कि क्या यू नो, थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता है, बट अगेन एवरीबडी सच अ प्रोफेशनल, विवेक सच अ प्रोफेशनल एंड विनिल, एवरीबडी चीयर्स यू, तो ठीक है, आई मीन हो जाता है। While I was shooting it, मुझे था कि आई डोंट नो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट वंस आई सॉ कि क्या किया है उन्होंने शॉट के साथ, आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। इट्स एस्थेटिकली शॉट, इट डजंट लुक वल्गर वन बिट, इट लुक्स रियली नाइस।
भाड़ू सिमी मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया नहीं यू नो व्हाट पिछू यू नो व्हाट तुमने जो आइडिया दिया था ना हर ऑफिस में जाके अर्जी देने का लगता है वो काम कर रहा है मुझे लगता है जॉब मिल जाएगी शायद वाह वाह शायद पे इतना कुछ तो मिलने पे कितना कुछ आई डोंट नो दैट थैंक यू वेरी वेरी मच वेलकम नॉट अभी क्या है कि वो थोड़ा शरणपत्ति करता है वो ऐसा करता है कि मतलब वो दिखाएगा कि अरे मैं छोटा मोटा काम मेरे से काय को करा ले उधर से पैसा लेके आओ उधर देके आओ है ना इसका बोर्ड लगा दो उसका ये कर दो ये सब मेरा काम नहीं है अभी और क्या काम करने का उसको क्या बोलेंगे भाई से भिखारी बना डाला क्या ये अगर एक बार दे दिया ना तो अभी उसने बोला कि उसको आपने दे दिया वो आपके कंधे में बिठाया कान में मूत रहा है इधर एक कान में मूत रहा है उसको दे दिया तो वो इधर बैठ के मूत रहा है तो दोनों जगह तो गड़बड़ है फिर मैं फिर सुनेगा कि चलता भाई सुलभ शौचालय बन जाएंगे तो इसलिए अभी वो सामने कॉम्पिटिटर कैसे खड़ा करेगा मैं बिल्कुल नहीं कर सकते ना तो उसको अभी ऐसे ही रखने का होता है कभी कभी कुछ गानों में ऐसी एनर्जी होती है कुछ सिचुएशन में ऐसी एनर्जी होती है कभी कभी हो जाता है ऐसे और सो सकता है हम लोग भी लक्की हो गए हम लोग की वजह से भी थोड़ी एनर्जी अंदर आ जाए हर एक पल शक्ल बदल के मुझे दिखा रहा है ख्वाब कल के देखो ना ख्वाब है देख लो बारिश का फ्लेवर इसलिए सुना क्योंकि बारिश में रोमांस है ना तो उस रोमांस को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं जब बारिश में रोमांस होता है हमेशा आप देखेंगे कि जब भी लोग मैसेज करते हैं आजकल BBM टेक्स्ट करते हैं ओ इट्स रेनिंग ओ सो रोमांटिक इस टाइम हम लोग कुछ 12 नोजल के साथ करते हैं और 3 ट्रक सेफ्टी साइड पे भीगने के लिए पूरा तैयार हूँ अभी टाइम पे खूबसूरत लड़की के साथ भीगने का चांस कौन तैयार नहीं होगा गुड वेरी गुड